तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप खलोटे आपके लाए और जी व्हाट्सएप की एक बहुत ही शानदार सेटिंग जिसे आप ऑन कर लेते हैं तो आप भी अपने होम पेज पर आपका खुद का फोटो लगा सकते हैं या किसी और का फोटो लगा सकते हैं या कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं। क्योंकि आपका जो होम पेज एक बहुत ही नॉर्मल दिखता है तो आप इसको कुछ अलग दिखाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक सिंपल सेटिंग के साथ। तो आप उसको कर लीजिए और आप भी होम पेज पर फोटो लगा लीजिए। सबसे पहले आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, फिर आपको जीबी सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर आपको नीचे यूनिवर्स पर क्लिक करना है, फिर आपको कलर्स पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ दिख रहा बैकग्राउंड इस पर क्लिक करना है और आपको नीचे फोटो का ऑप्शन दिख रहा है आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही करते हैं आपको गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको गैलरी में चले जाना है और आपको जो सा भी फ़ोटो डालना है उस फोटो को चूज़ कर लेना है आपके चैट पर लगाने के लिए। तो मैं भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है मैंने और सेटअप होम स्क्रीन कर देना है, फिर आपको बैक हो जाना है और आप देख सकते हैं आपके होम पेज पर वो फ़ोटो आ चुका है। तो बहुत ही शानदार तरीके से लगता है आ जाएगा फ़ोटो और आपकी चैट भी एक लुक अलग चेंज हो जाएगा। और आपको ऑफिस नॉर्मल चैट करना है और ये डिसेबल करना है तो वो कैसे करते हैं, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर अभी जीबी सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर यूनिवर्स पर जाना है, फिर आपको कलर्स पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको शोल्डर कलर्स पर करके डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपका जैसे होम स्क्रीन नॉर्मल थी वैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटिंग समझ में आई है।